था, ये स्वेटर मैंने बनाई थी जब कासू पेट में था। वेरी गुड वेरी गुड। हेलो गुड मॉर्निंग सुप्रभात दोस्तों, नई सुबह नया व्लॉग, तो मिलते हैं आपको नाश्ते में। परांठा परांठा परांठा। और मम्मी देखो, मम्मी हमेशा कासू के लिए परांठा जरूर बनाती है। सही कह रही है सीमा, माँ हमेशा बनाती है कासू के लिए, तो कासू तो बस खाती है इसमें थोड़ा सा, बाकी हम दोनों खाते हैं इसको। नहीं ऐसा नहीं, थोड़ा बहुत कासू भी खाती खाती है। मम्मी को मत बताना ये बात। ये लो। और ये भी लिपटा हुआ है क्योंकि नहा के आया है। इसको मैंने लिपेट रखा है और लिपेट के आराम से देख रहा है यहाँ पे कार्टून। इस बार पता है मैंने इसे कब से, तुम्हारे बर्थडे से आज नलाया है इसको। ना ना। हाँ, कसम से, वो भी तुम्हारे बर्थडे 12 तारीख को नलाया था, तुम्हारा बर्थडे 13 को था। अच्छा। क्योंकि ना इसको सर्दी जुकाम हो गई थी ना, तो मैंने कहा मतलब मेरा हाथ यूं नहीं खुल रहा है, देख रहा हूँ, देखो कितनी चंटू है ये खाने के लिए। हाँ ये देखो, आज दूसरा डब्बा भी खुल गया घी का। मम्मी घर पे बनाती है घी, हम तो देखो मेरी माँ भी बनाती है वहाँ पे, पर वो बहुत कम बनाती है, तो मम्मी तो हमेशा बनाती है, जमा कर लेती है और फिर 10 या 15 दिन में एक एक डब्बा घी निकल जाता है। ये बात तो है कि बिना घी के और बिना चाय के मुझे मजा बिल्कुल नहीं आता पराठों में। खाओ। और घर का घी शुद्ध, अरे घी। और तो यार शुद्ध घी है, हे भगवान। शायद तुम्हें कैमरे के अंदर से सही से दिख नहीं रहा हो, बहुत ज्यादा हो गया है। सही कह रही है सीमा यार, बहुत ज्यादा है, वापस करो यार इसको। मेरी सेहत का राज घर का घी, मुझे बोलते ना मोटे हो गए मोटे गए, इसी से हो रही हूँ मैं मोटी। और ये देखो यहाँ पे कासी को, ये कासी अपना अलग अपना चुपके से पराठा खा रहा है मेरे। ये रहा इसका पराठा, यहाँ पे कार्टून भी देख रही है साइड में और खा भी रही है चाय। काशू की मैंने मसाज की, किस वाले ऑयल से, मैंने ये ऑयल बना रखा है इसके लिए, लहसुन अजवाइन, पता होगा जिनके घर में बेबीज है उनको पता है कि इस तेल की कितनी इम्पोर्टेंस है बच्चों की लाइफ में, छोटे बच्चों की लाइफ में जो टोडलर्स होते हैं। सर्दी के टाइम पे इनको इतनी ज़रूरत होती है इसकी, क्योंकि गर्म रखता है बॉडी को। अब देखो मैं से कितने कपड़े बनाऊँगी, एक इनर हो गई, फिर उसके ऊपर ये हो गया, फिर उसके ऊपर ये हाफ स्वेटर हो गई, फिर उसके ऊपर ये फुल स्वेटर हो गई। और ये स्वेटर मैंने बनाई थी जब कासू पेट में था। मैं जब भी ये स्वेटर देखती हूँ ना, तो मेरा मन करता है इसके बारे में मैं बात करूँ, क्योंकि बहुत इमोशंस जुड़े हैं इस स्वेटर के ऊपर। क्योंकि मैंने आज से पहले कभी स्वेटर नहीं बुनी थी, कभी भी नहीं, मतलब जितनी एज हो गई है मेरी, ये पहली बार मैंने कोई स्वेटर बुना था नेट से देख देख के। तो देखो ऐसा स्वेटर बुना है। और कासू ना जब छोटी थी ना, तो उसपे ढीला होता था और अब एकदम फिट आता है उसपे। अभी आपको दोबारा दिखा दूंगी मैं कि कैसे लगती है ये। और मैंने इसका पूरा सेट बनाया था, टोपी पजामा, और इसी ऊन में मैंने नन्नू के लिए भी बनाया था एक हाफ जैकेट। तो तभी मैं जब भी बुनती हूँ ना, मुझे बहुत टाइम लग जाता है बुनने में, क्योंकि फिर मैं बहुत हर दिन 3-3 सिलाई, 4-4 सिलाई ऐसे निकाल। वैसे मन तो मेरा भी था कि जो ये कलर बना रखा है सेम, मैंने कासी के लिए सेम इसी कलर में मेडल स्वेटर बनाए, लेकिन जब इतना टाइम लग जाता तो फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं। हाँ, और फिर ये उसका फोबिया भी है इनको, सीख का ना, जो मतलब सीख होती है उसको देख के बहुत डरते, कहते कभी बच्चे की आंख में लग गया, मेरी आंख में लग गया, तुम्हारी आंख में लग गया, कहीं भी लग सकता है। इस चीज को देख के होता है, बहुतों में होता है। एक बार तो इन्होंने क्या किया था, पूरी सिलाई निकाल दी थी गुस्से में, मेरी हाफ स्वेटर बुनी हुई इन्होंने उधाड़ दी थी पूरी, इतना गुस्सा आया था ना उस दिन मुझे इन पे। चलो इसके साथ इसके सॉक्स भी है और एक टोपी भी थी। टोपी तो अब आएगी नहीं, टोपी तभी नहीं आ रही थी क्योंकि ये जब मैंने बनाया था ना, तो मैंने न्यू बॉर्न के हिसाब से बना दिया था, और सर्दियाँ आई थी जब ये 7-8 महीने की हो गई थी, तब आई थी सर्दियाँ, है ना कशु। काफी बदमस्त हो जाती धूप पे आके। अच्छा तू भी होता है। तो यहाँ दोबारा से आ चुका है गाजर, बर्थडे के बाद दोबारा से बनने वाला है गाजर का हलवा। हाँ। और इस बार कौन बनाएगा? इस बार कौन बनाएगा मम्मी? मैं लिमन में भी बनाएगी। हैं? सीमा ही बनाएगी। क्यों? इस बार तो आप बनाने वाली थी।
अच्छा तो सीमन जो बनाया था मेरे बर्थडे पे वो मम्मी को इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि अब सीमन बनाएगी हर बार। मम्मी कह रही है मेरी छुट्टी हो गई। हाँ मम्मी कह रही है मैं रिटायरमेंट ले रही हूँ, तुझे सॉल्व बनाने भी सिखाऊंगी। मम्मी को ये पता नहीं मुझे सॉल्व बनाने पहले से ही आते हैं। तो ये है हमारी बिल्डिंग की सबसे नन्ही परी जो कि है भैया की बेटी। हेलो ब्रदर। हेलो हेलो। 6 मंथ ओल्ड है, 6 महीने की हो गई है। तो अभी हमारी जो बिल्डिंग है उसमें काफी बच्चे हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि 2 बच्चे तो हमारे घर में ही है, काशी और वैदिक। ये अभी कुछ बोलना चाह रही है, हूँ हूँ, जैसे कि सभी बच्चे करते हैं, हुंगरे भरते हैं हुंगरे। और यहाँ पे वैदिक कर रहा है नाश्ता, नाश्ता कर रहा है, खाना खा रहा है, दिन का डिनर कर रहा है, डिनर कर रहा है। अभी ये 5 बार और डिनर करेगा, अभी ऐसे डिनर तो करता रहता है, दिन भर में करता भी रहता, करवाता भी रहता साथ में। ये आ गए गाजर लेके। तो गाजर ज्यादा लग रहे हैं सीमा, 4 किलो है, 4 किलो है। अरे वाह, गाजर तोड़ते ना कौन खुश होता है, खुश हो रही है, हंसना सबसे बड़ी मेडिसिन हो। तो हंसना जरूर चाहिए, चाहे कैसा भी सिचुएशन हो लेकिन हंसना चाहिए, क्योंकि अगर आप हंसोगे तो हमेशा खुश रहोगे, और अगर खुश रहोगे तो आपकी हेल्थ जो है वो हमेशा अच्छी रहेगी। हंसना भी एक योग होता है, आपने देखा भी होगा जो लोग हंसते रहते हैं, सबसे आसान योग है हंसना योग। हंसने में ये है मन में कुछ नहीं रहता, कुछ नहीं रहता, ये बात बिल्कुल सही बोल रही थी। मन में रखा रहता तो वो अंदर खासू कहाँ से रहेगा, खासू खुश रहेगा। वो देख सकते हो आप, इसका जब मन आए तभी ऐसे लेट जाती है, पता नहीं क्या करती है, जमीन से जुड़ी हुई लड़की है ये। हाँ, इसके लिए कालीन बिछा हुआ है, चादर भी सी हुई है, लेकिन लेटना इसको जमीन में, जमीन में ही जाती है, बैठने भी जमीन में जाती है। तो बस अभी इतना कर रही है और इतने बाकी हैं इसमें गाजर, तो कुछ गाजर मैं बाद में कोरूंगा। अच्छा, इस बार नहीं आ रहा था बीच में व्हाइट व्हाइट जो हम निकाल रहे थे, पिछली बार के सही लग रहे हैं, अच्छी गाजर है। बार बहुत व्हाइट निकाले, अच्छा। इस बार लाल भी है, इस बार लाल भी है, आंटी जी भी पूरा देखती हैं। तो बच्चे खेलते गाड़ी से, उससे, अरे पोछो से, झाड़ू से, ये देखो लो, उसमें हम पानी पी लो, 3 बाल्टी निकाल लो, पानी पियो। अरे कोर कोर के प्यास लग जाती है, करते करते मम्मी आपने पी लिया पानी, मम्मी ये बोतल यहाँ साइड में रखी हुई है, मम्मी पानी पीती रहती है। मैं लाई थी मम्मी के लिए पानी, हमारे सोचा उसी टाइम पीऊंगी, भूल गई, फिर भूल गई, थोड़ा सा छोटे में नाइक और वो हो जाती है फिसलने वाली। तो अभी आ चुका हूँ मैं, जैसे जैसे बोल रहा हूँ जैसे मैं कितनी बड़ी चीज करने आ रही हूँ। तो बस करता हूँ मैं यहाँ पे गाजर कद्दूकस करना स्टार्ट। और क्या लगता है मैं सारे गाजर कद्दूकस कर लूंगा, इस बार 4 किलो है, तो कम से कम 1 किलो गाजर तो मैं कद्दूस कर लूंगा यार, 2 कर लो कर लू। तो यहाँ पे पूरा 5 लीटर का कुकर भर गया, मम्मी कह रही धो ला रही, तो ढक दो जल्दी से, ढक दे माँ। मम्मी को बहुत चिंता लगी रहती है हर एक चीज की। तो ये सब जो देख रहे हैं भर के, ये हम सभी कुकरेटी फैमिली ने मिलके कद्दूकस किया है और पूरा भर दिया है। तो बस अभी कुछ देर में बनेगा गाजर का हलवा। तो दोस्तों फिर से गाजर का हलवा बन रहा है, और इस उसी कढ़ाई में देखो, पिछली बार 3 किलो था, इस बार 4 किलो है, पूरा फुल बन के ऊपर तक आ रहा है। अब मैं ये सोच रही हूँ इसको हिलाऊं कैसे, तो अभी डाल दिया है मैंने, कम आँच कर दी है, कम आँच में ये धीरे धीरे पक जाएगा, जैसे पकेगा वैसे हिलाती रहूंगी। गाजर का हलवा बनाने में पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, घुमाने में आप जितना घुमाने में परफेक्ट होंगे उतना परफेक्ट गाजर का हलवा बनेगा। वाह बेटे इतना लाओ ना, सैफ अली खान के बेटे तैमूर ने नहीं बोला अभी तक, जितना तूने बोल दिया। वाह वाह बहुत बोलती है। अब अच्छा, ये वाह वाह, ये पापा, इसका वाह बोलना खत्म नहीं होने वाला। बच्चे सीखते हैं क्या खा रहे हो क्या पी रहे हो, ये सीख रहे वाह। ये अभी होने वाली है अप्रैल में 2 साल की, और इसने अभी कुछ वर्ड्स ही सीखे हैं बोलने, पर इसने
चलना फिरना इतनी जल्दी सीखा था ना कि सभी बोलते थे ये अभी से चलने लग गई। 9 मंथ में ये खड़ी हो जाती थी पूरा, और 10 मंथ तक इसने आधे आधे चलने लग गई थी, वॉक करने लग गई थी, इतना इसने जल्दी स्टार्ट किया। तो बोलने में लेट हो गई है, बोलने में मेरे को लगता है अभी इसके साथ के बच्चे सब बोलने लग गए, वही इसे बस वाव वाव वही बोलती है। और एक माँ बोलती हमने है, इसे सैबरी खाने कोई मूवी दिखा रही थी क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं सिखाया था, कार्टून देखती इंग्लिश कार्टून, इंग्लिश कार्टून देखती है। हिंदी कार्टून मैं दिखाती भी हूँ ना तो उसे उतना मजा नहीं आता जितना इंग्लिश कार्टून में आता। मुझे लग रहा उसमें से सीखा इसने वाव, ना तुम वाव बोलते ना मैं वाव बोलते, कहाँ से वाव। सही बात है। तो काशी की एज ग्रुप का अगर कोई हमारे प्यारे दर्शक देख रहे होंगे तो मुझे बताना आपके बच्चे बोलने लग गए, मेरा ही बच्चा थोड़ा लेट हो रहा है बोलने में। और मुझे एक चीज और भी जाननी है कि आपके बच्चे ने कब स्टार्ट कर दिया था पूरा पूरा सेंटेंस बोलना। माँ पापा तो बहुत पहले से बोलती आ रही है, बट पूरा सेंटेंस मतलब होता है ना खाना खा लिया वो सब, आप लोग वो सब कब बच्चे ने बोलना शुरू किया था तो आप लोग मुझे बताना। कासू तो मेरा बस वाव में ही अटका हुआ है, वाव वाव का बच्चा है। तो ये सीमा ने आई थिंक कुछ मंगाया है, मिंत्रा से मंगाया है, कहाँ से मंगाया आई डोंट नो, मीशो से मंगाया। अच्छा मीशो से मंगाया, आजकल तो साइट भी नहीं सारी हो गई है, मीशो मिंत्रा फ्लिपकार्ट फलाना फलाना ढिमकाना, जो रीजनेबल प्राइस में आपको मिलता है ना वो मीशो से मिल जाता है आपको। अरे वाओ, टू सेंटा आई थिंक ये 6 होंगे क्योंकि हम 6 लोग हैं। 3, अरे वाह सब जानते हो तुम सीमा को, 4, 5, 6, मैंने 6 के लिए 6 रंग मंगवाए। अरे सीमा को तो मैं जान गया था जब मैं तुम्हें पहली बार देखा था, मैं उसी दिन तुम्हें जान गया था, तभी शादी की मुझसे। और क्या, जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल, मैं भंगड़ा क्यों कर रही हूँ पता नहीं क्या पता। इनका तो गढ़वाली डांस शुरू हो गया, तो गढ़वाली है तो हम गढ़वाली है, कौन सा सर का भाड़ फड़क करेंगे हम सेंटा को सब कुछ बना देंगे, गढ़वाली बना देंगे, बिहारी बना देंगे, सब बना देंगे सेंटा के लोग। चल वो तेरी पापा बुखड़ा लेके आए, ओ पापा ये देखो, सब तभी कहते हैं सब लोग कि हम बहुत लकी है, और आप लोगों के कहने से पहले सच में हमें पता है कि हम बहुत लकी है कि हमको पापा जैसे पापा मिले। तुम तो हो ही लगी यार, तुम्हें मैं मिल गया। और ससुर जी भी तो मैं भी बहुत लकी हूँ जो मुझे काशी मिली। अभी मैं इसमें खोया ऐड करूंगी, तब ड्राई फ्रूट्स को भून के इसमें डाल दूंगी। सही मेरे को बोल रही है कि ऊपर चलो और खुद बार बार बीच में आ जा रही है यहाँ पे किचन में। बताओ क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, थोड़ा देखना पड़ता है ना, रील तो बनती रहेगी हलवा, तो चलो फिर रील कल बन जाएगी आज के, वैसे भी अब शाम लाइट तो है नहीं। बड़ी मुश्किल से कपड़े वपड़े पे मतलब ऐसे जो टंच वाले होते हैं वो पैक के रख रही हूँ, वरना फिर बाद में। तो चलो फिर मिलते हैं आपसे ऊपर। तो ये है वो जगह, और सीमा देखो देखा आ गई है ये, और कह रही है हवा चल रही है, हवा चल जल्दी करो जल्दी करो, सही में बहुत ठंड हो रही है। और यही है वो जगह, यहाँ पे लगाते हैं मोबाइल, ठीक है। पहले तो हम यहाँ पे लगाते हैं एक छोटी सी ईट, छोटी सी नहीं ईट है, बड़ी सी ईट है, लेकिन लगाते उसको ऐसे है लैंडस्केप में, फिर उसके ऊपर हम रखते हैं मोबाइल, फिर देखते हैं सॉन्ग कौन सा है। सॉन्ग तो पहले से करते हैं सिलेक्ट, लेकिन अभी कोई सॉन्ग सिलेक्ट नहीं किया है, देखते हैं कौन सा सॉन्ग होगा। और यहाँ पे भाभी जो हमारी है बगल वाली, उनके सारे पर्दे लटके हुए हैं, अच्छी बात है कोई हमें देखेगा नहीं, ये अच्छा हो गया। ठंड लग रही यार, बना लो जल्दी। हाँ तो किसी का तुम्हें ये पहन के आने के लिए कुछ पहले थी ऊपर से। तो चलो बनाते हैं रील, हम वीडियो बनाने के लिए ऊपर, लेकिन बन नहीं पाए क्योंकि ऊपर हो चुका था अंधेरा, बहुत अंधेरा हो गया है, जो 6:30 होने वाले हैं। गाजर का हलवा, उसकी ताली बजनी शुरू हो गई खाना देख के। बच्चे तुझे नहीं उठाना, मम्मी ले लो सबके सब, ये लो, काम करने में बिजी हमेशा की तरह। सब गाजर का हलवा खा रहे हैं, और यहाँ पे मैंने कासू को भी दिया था गाजर का हलवा, और वो देखो कितने अच्छे तरीके से स्पून में ले लेके खा रही है, मेरा क्यूट सा सॉफ्टी गाजर का हलवा खा रहा है। ये देखो सीख गई है वो चम्मच से खाना, काफी हद तक सही से खा लेती है। खा लिया, अच्छा वेरी गुड, वेरी गुड। नमस्कार, हलवा बहुत बढ़िया, तेन पूछी बस मम्मी में कनबड़ी हलवा बोलिया वेरी गुड, तो आज बोल गई 50 हलवा पर वेरी गुड, वही तो आज से बोल लो कितने बार बोल गया मैं, तो पहली बार सुना मिल भी पहली बार सुन मम्मी।
जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कुछ ही दिनों में आने वाला है क्रिसमस, जो कि है 25 दिसंबर को। अच्छा वो बता दिया आपने 25 को है। मैं बोलते वक्त सोच ही रहा था कि मैं क्यों बोल रहा हूँ, लेकिन सबको पता ही होगा। तो देख रहा हूँ आपके मेरे पास सेंटा कैप, तो मैं ये सबको देने वाला हूँ। सब साइज चेक कर लो, वैसे तो सेम ही साइज होते हैं। ये सबके साइज, मम्मी का टोपी देखना, लो अंजलि, मेरा तो आ ही जाएगी। ये सीमा की टोपी है और ये जैसे कि हम लोगों को बहाना चाहिए होता है हर चीज को, मतलब सेलिब्रेट करने का, तो हम छोटी छोटी चीजें भी सेलिब्रेट करते रहते हैं। तो क्रिसमस तो वैसे भी बड़ा दिन हिंदुओं में कहा जाता है, बड़ा दिन। हम उस दिन बहुत अच्छा करने की सोच रहे हैं कि ताकि हम भी इंजॉय करें और आप भी थोड़ा बहुत हमारे ब्लॉग को देख के एंटरटेन होते रहे। तो मैंने कुछ सोचा है कि सीक्रेट संता बने हम एक दूसरे के लिए, तो उसके लिए मैंने 6 पर्चियां बनाई हैं। जिसके पास जिसके नाम की पर्ची जाएगी वो उसका सीक्रेट सेंटा होगा। तो वो उस दिन तक नहीं दिखाएगा अपनी पर्ची को जब तक बड़ा दिन नहीं आ जाता। सेंटा क्लॉज नहीं आएगा। सेंटा क्लॉज सबसे बड़ा सेंटा क्लॉज है। और हमने एक दूसरे से प्रॉमिस किया है कि हम किसी को नहीं बताएंगे हमारे पास क्या है। इवन कपल भी यहाँ आपस में डिस्कस नहीं करेंगे। सबसे उठाएंगे पापा, दो पर्ची। ये ऐसा कौन उठाता है पापा? पापा तो छुपाएंगे। तो मम्मी उठाओ, अंजलि उठाओ, निकल के भाग। तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, तुम उठा लो। चलो ठीक है, जो बच गया वो मेरा। ये देखो कैसे सारी सब छुपके है। कौन सा हुआ राजा का खजाना? अच्छा जी, बहुत बड़ी चीज आई लगता है। दोस्तों तो इसी के साथ हम ब्लॉग को एंड करते हैं। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। दोस्तों आज का ब्लॉग एंड करते हैं बेताल 25 के साथ। मैं बेताल ही मेरा 25। तो भगवान सब अच्छा करे, सबकी रक्षा करे। गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय, कसु बाय बाय।